बहुत ही चटपटी सी। देखिए इसके लिए मैंने एक प्याज काट लिया है और वो बारीक, एक टमाटर और एक गाजर बारीक काट ली हूँ, थोड़ा सा हरा धनिया लेंगे। बहुत ही मज़ेदार सैंडविच बनेगा। लाल मिर्च पाउडर 1/4 चम्मच और चाट मसाला 1/4 चम्मच स्वाद अनुसार। 1 चम्मच मेयोनीज डालूंगी और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करूंगी। देखिए हमने मिक्स कर लिया है। अब हमने देखिए यहाँ पे 3 ब्रेड लिया है और इस पर लगा दूंगी मैं बटर। देखिए इस तरीके से मैं इस पर बटर लगाऊंगी। देखिए इस तरीके से मैंने 2 ब्रेड पे लगा लिया है बटर को। इस पर मैं डालूंगी हरा धनिया की चटनी, तीखी चटनी है, आप कोई भी चटनी ले सकते हो जो भी आपको पसंद हो। इसमें मैं डालूंगी पोटैटो, देखिए कटा हुआ पीसेस में। ऊपर मैं डालूंगी ब्रेड जिसमें हमने बटर लगाया था और इसके ऊपर डालूंगी ये जो हमने पेस्ट बनाया था ये, और इसको मैं इस तरीके से, देखिए देखिए इसमें मैं मलाई डालूंगी 1 चम्मच, ये होममेड मलाई है। देखिए ये 3रा ब्रेड और इसको हम तवे में सेक लेंगे। देखिए मैंने तवा गर्म होने रख दिया है, ये मैंने हल्का बटर लगा दिया है और इसके ऊपर मैं रख दूंगी ये ब्रेड। सैंडविच बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होगा। देखिए हमने इसे पलट दिया है, कितना बढ़िया हमारा सैंडविच बनके तैयार है। हमारा सैंडविच बनके तैयार है, इसे मैं कट कर लूँगी। देखिए कितना लाजवाब सैंडविच बनके तैयार है, आप ज़रूर बनाएं और अपने परिवार वालों को खिलाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।